हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। आप देख रहे हैं फैंटेसी इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों मैं प्लगइन सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं, वर्डप्रेस की प्लगइन डेवलपमेंट की सीरीज को। दोस्तों मैंने एक वीडियो इसमें पहले भी बना चुकी है जिसमें मैंने हुक्स के बारे में बताया, जो वर्डप्रेस का दोस्तों जो आधार होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट। तो इसके अंदर अभी एक ही वीडियो है क्योंकि उसमें मैंने हुक्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है, जो बेसिक जो वर्डप्रेस के जो मेन होता है, जो जिसके ऊपर वर्डप्रेस का जो प्लगइन होता है वो बेस रहता है, तो उस चीज़ के ऊपर मैंने बताया। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा आज से ट्यूटोरियल स्टार्ट करने में। अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम जाते हैं उसी थीम में, जो हम थीम बना रहे हैं उसी में हम एक प्लगइन ऐड करेंगे। जैसे कि आपको पता है मैंने ये वाली थीम बनाई है, कस्टम थीम बनाई है दोस्तों वर्डप्रेस की। अगर आपने ये अब तक नहीं देखी है किस तरीके से हमने बनाई है, तो आप मेरी प्लगइन लिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। आप इस वाली प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये वाली वेबसाइट, ये वाली थीम हमने किस तरीके से दोस्तों कस्टमाइज बनाई है, कस्टम बनाई है किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद बात करें प्लगइन डेवलपमेंट की तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में मैं तीन चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ प्लगइन डेवलपमेंट के बारे में। तो मैं जाता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड में, मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाइट बोर्ड में जाने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो लिखा हुआ है, तो अगर आप प्लगइन स्टार्ट करोगे, मैं पेन एन खोल लेता हूँ स्विच, यहाँ पे लिखा हुआ है द थ्री बेसिक हुक्स। हुक्स के बारे में आपको नहीं पता, मैंने वही वीडियो बनाई हूँ, आपको वही देखनी पड़ेगी। यू नीड व्हेन क्रिएटिंग ए प्लगइन आर द, दोस्तों जैसे ही आप प्लगइन क्रिएट करते हो तो आपको तीन दोस्तों जो है हुक्स की जरूरत पड़ती है जिनको आपको कॉल कराना पड़ता है। एक होता है रजिस्टर एक्टिवेशन हुक, एक होता है रजिस्टर डीएक्टिवेशन हुक, एक होता है रजिस्टर अनइंस्टॉल हुक। इन तीनों को नाम से ही आप पता लग रहा होगा, एक्टिवेशन हुक एक्टिवेट के टाइम पे जैसे आप एक्टिवेट करोगे प्लगइन को तब कॉल होगा, डीएक्टिवेशन वाला जो हुक होता है वो तब कॉल होगा जैसे आप प्लगइन को डीएक्टिवेट करते हो, और अनइंस्टॉल वाला तब कॉल होता है दोस्तों जैसे आप प्लगइन को अनइंस्टॉल कर देते हो अपनी डायरेक्टरी में से। कहाँ पे मिलेगा आपको, मैं लेके जाता हूँ आपको वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में। तो ये हमारी वर्डप्रेस आ गई, मैं इसमें जाता हूँ डैशबोर्ड के डायरेक्ट। इसमें जाने के बाद जैसे आप प्लगइन सेक्शन में जाओगे तो दोस्तों तीनों हुक किस तरीके से यूज होते हैं ये आप देखिए दोस्तों। ये होते हैं, एक तो डीएक्टिवेट करोगे द प्लगइन हैज बीन डीएक्टिवेट ड्यू टू, ये चीज इग्नोर कीजिए, कुछ लग रहा है इस चीज को छोड़िए, मैं रिफ्रेश कर लेता उसको। हाँ एरर तो चला गया, ये देखिए दोस्तों जैसे आप डीएक्टिवेट के बटन पे क्लिक करोगे तो हमारा ये डीएक्टिवेट वाला कॉल होगा, सेकंड नंबर वाला। डीएक्टिवेट के बाद मैं दिखा देता हूँ, डीएक्टिवेट के बाद दोस्तों जो है एक्टिवेट करोगे तो एक्टिवेट के बाद आपका जो कॉल होगा वो होगा ये वाला रजिस्टर एक्टिवेशन हुक। जैसे आप प्लगइन को एक्टिवेट करोगे तो रजिस्टर एक्टिवेशन हुक कॉल होता है। इसके बाद जैसे आप इसको दोस्तों है डिलीट करके अनइंस्टॉल कर दोगे तो इसके बाद जो हमारा कॉल होता है वो होता है रजिस्टर अनइंस्टॉल हुक। ये तीन हुक आपके कॉल होते हैं। इन हुक्स का क्या काम है, क्या महत्व है, किस तरीके से आपको यूज करना है, कौन कौन से इनके अंदर पैरामीटर्स देने हैं, इनके बारे में बात करेंगे, फिर दोस्तों प्लगइन अपना स्टार्ट बनाना करेंगे प्रैक्टिकल। तो मैं एक बार इस क्लासिक एडिटर को दोबारा से एक्टिवेट कर देता, देखिए दोस्तों एक्टिवेट पे क्लिक करते के साथ ही ऊपर लिखा है प्लगइन एक्टिवेटेड, यानी कि जो हमारा रजिस्टर एक्टिवेट हुक है, ये रजिस्टर एक्टिवेशन हुक है, वो कॉल हो चुका है। तो इनके बारे में हमने बात कर ली है। अब इन प्लगइन्स के स्पेसिफिक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जाते हैं वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में, जो हमारी वर्डप्रेस की दोस्तों जो है बेसिक डायरेक्टरी, आप यहाँ पे जा सकते हो developer.wordpress.org के बाद आपको प्लगइन्स डालना है, फिर प्लगइन्स-बेसिक्स पे आपको जाना है। जैसे आप इस पे जाओगे तो आपको इस तरीके से दिखा देगा प्लगइन बेसिक, स्टार्टिंग में ही हम आए हुए हैं। प्लगइन बेसिक में सबसे पहले आपको जो चीज़ें बताई गई हैं वो आप समझ लीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बिल्कुल हार्ड तरीका नहीं बताऊंगा कि आपने ये देख लिया और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत बंदे हैं ऐसे, बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि वर्डप्रेस की जो डायरेक्टरी होती है, जो हैंडबुक है प्लगइन की हैंडबुक, या फिर वर्डप्रेस की जो थीम की हैंडबुक है, उनको समझ में नहीं आता किस तरीके से उनको रीड करना है, किस तरीके से उनको समझना है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको पकड़ना है। सबसे पहले लिखा है टू गेट स्टार्टिंग क्रिएटिंग ए न्यू प्लगइन, फॉलो द स्टेप, दोस्तों फॉलो करने हैं ये स्टेप। क्या करने हैं, नेविगेट टू द वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, जहाँ आपकी वर्डप्रेस पड़ी हुई है, ठीक है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। तो मैं एक बार जाता हूँ अपने फाइल एक्सप्लोरर पे, इसके बाद जाते हैं दिस पीसी में, लोकल सी में, इसके बाद जाते हैं प्रोग्राम फाइल्स में, इसके बाद जाते हैं हम दोस्तों एम सर्वर में। अगर आपने एग्जैम्प यूज किया हुआ है, ज़्यादातर लोग एग्जैम्प सर्वर यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे एग्जैम्प दिखाई देगा, आप उसमें जाएंगे, एग्जैम्प के बाद जाएंगे आप एच टी डॉक में। पर मैं यूज़ करता हूँ AMPS, तो मैं जाता हूँ AMPS में, इसके बाद मैं जाता हूँ अपने TWW डायरेक्टरी में। और यहाँ पे आने के बाद अगर आप एग्जाम पे हो तो आप HTDoc में आने के बाद अपनी वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर लीजिए, आपने जहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल की है। तो हमारी wordpress.local, तो मैं इसमें चला जाता हूँ। इसमें जाने के बाद आपको जाना है दोस्तों, देखिए इन्होंने क्या बताया, इसमें जाने के बाद आपको जाना है WP कॉन्टेंट सेक्शन में, ठीक है। तो हम चले जाते हैं WP कॉन्टेंट, ये वाला हमारा WP कॉन्टेंट मिलेगा। इसके अंदर जाने के बाद ये बताएगा प्लगइन्स में, एक बार मैं फिर भी स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता हूँ। WP कॉन्टेंट में जाने के बाद आपको खोलना है प्लगइन्स डायरेक्टरी को, ठीक है।
तो हम जाते हैं प्लगइन्स डायरेक्टरी हमारी आ गई, इसको हमने ओपन कर लिया, ठीक है। प्लगइन्स डायरेक्टरी ओपन होने के बाद इन्होंने बोला है क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी, यानी कि एक फोल्डर बनाइए। डायरेक्टरी का मतलब इनका यहाँ पे है फोल्डर बनाने से है, एंड नेम इट आफ्टर द प्लगइन। देखिए दोस्तों इन्होंने क्या बोला है, उसको नेम ऐसे करना है जो प्लगइन के बाद हो, इस तरीके से करना है। एग्जांपल इन्होंने दिया प्लगइन डैश, देखिए आपको नाम दे देना है जो आपके प्लगइन का नाम हो, ठीक है। तो हम इसी नाम से बना लेते हैं, सबसे पहले प्लगइन का नाम बनाते हैं, न्यू पे जाते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं प्लगइन, PLUGIN प्लगइन डैश डाल देते हैं। मैं दोस्तों मेरे चैनल का नाम ही डाल देता हूँ, FANTASYINFO, तो इस तरीके से मैंने नाम डाल दिया प्लगइन डैश फैंटेसी इन्फो के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया था कि प्लगइन आप डालिए, डैश लगा के नेम डाल दीजिए, इनके नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से मैं चल रहा हूँ दोस्तों, बहुत बेटर रहता है इनकी नेमिंग कन्वेंशन। जैसे कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि आप यही नाम डालोगे, आप प्लगइन हटा भी सकते हो, आप डायरेक्ट अपना नाम भी डाल सकते हो, कोई इसमें जरूरी नहीं है जो प्लगइन का आपका नाम है, पर मैं इन्हीं के हिसाब से चलना चाह रहा हूँ और आपको हैंडबुक समझाना चाह रहा हूँ किस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद बोला है ओपन द न्यू प्लगइन्स डायरेक्टरी, यानी कि आपको ये ओपन कर लेनी है अपनी कोड एडिटर में, ठीक है। तो मैं जाता हूँ VS कोड में, ये देखिए दोस्तों मैंने ये वाली डायरेक्टरी पहले से ओपन की हुई थी, तो मैं फिर भी आपको सामने दिखा देता हूँ। ओपन फोल्डर पर आप क्लिक करोगे, अगर आपने नहीं किए तो लोकल सी में जाओगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे, AMPS में जाओगे, अगर आप एग्जाम यूज़ करते हो तो आप एग्जाम के हिसाब से जाओगे, वर्डप्रेस लोकल में जाओगे, इसके बाद कंटेंट में, इसके बाद प्लगइन सेक्शन में जाओगे और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लोगे तो आपको यही वाली डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा है प्लगइन डैश फैंटेसी इन्फो। तो इस वाली डायरेक्टरी में जाने के बाद आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, फाइल भी इसी नाम से आपको क्रिएट करनी होगी। अब देखिए देखिए इन्होंने क्या बोला है, क्रिएट ए न्यू PHP फाइल, दोस्तों ध्यान दीजिए इन्होंने बोला है PHP की फाइल आपको क्रिएट करनी है, और इन्होंने एक चीज और रिकमेंड किया, इट्स आल्सो ए गुड टू नेम दिस फाइल आफ्टर योर प्लगइन नेम। इस तरीके से इन्होंने बोला है प्लगइन डैश नेम .php, जो आपके प्लगइन का नाम है उसी के हिसाब से आप दोस्तों इसका नाम रखिए, ठीक है, हम उसी के हिसाब से नाम रख लेते हैं। तो हमने जो VS कोड में डाला था वो डाला PLUGIN.FANTASYINFO। आप चाहते हो प्लगइन ना लिखिए, एक जरूरी नहीं है, पर फिर भी मैं इन्हीं के हिसाब से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ PLUGIN-FANTASYINFO.PHP फाइल हमें बनानी है। तो दोस्तों जो आपके फोल्डर का नाम रहेगा वही आपको दोस्तों PHP की फाइल बनानी है, इसी नाम से हमने PHP की फाइल बना ली है। तो हमने अब तक के जितने भी इनके स्टेप्स थे ये सब फॉलो कर लिए, जो हमारे 5 स्टेप्स थे, ठीक है, इन स्टेप्स को आपको ही फॉलो कर लेना है। PHP का सिंटैक्स ऑन कर देते क्योंकि जाहिर सी बात है PHP की फाइल है, तो हमने PHP का सिंटैक्स ऑन कर दिया। इसके बाद अगर आपको प्लगइन बनाना होता है, इसमें आपको डालने पड़ते हैं कमेंट्स, जो आपको पता लगेगा वर्डप्रेस की डायरेक्टरी को आपका ये प्लगइन है। क्या कमेंट रहेंगे, सबसे पहले रहता है आपका प्लगइन का नेम, जो दोस्तों जो है रिक्वायर्ड है, PLUGIN-NA प्लगइन का नेम, तो हमारे प्लगइन का नेम है PLUGIN-FANTASYINFO, तो ये हमारे प्लगइन का नेम है, इसको कमेंट करना पड़ेगा आपको। तो मैं कमेंट स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एंड। तो यही एक रिक्वायर्ड लाइन थी इनकी प्लगइन नेम की, बाकी इसमें बहुत सारे होते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन कौन से होते हैं, पर ये जो रिक्वायर्ड था वो मैंने आपको बता दिया। प्लगइन डैश नेम, इसी से पता लगता है वर्डप्रेस की डायरेक्टरी को कि एक प्लगइन यहाँ पे आ चुका है। तो एक बार हम डायरेक्टरी को रिफ्रेश करते हैं अपने बैकएंड में जाकर, देखते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा प्लगइन आ जाना चाहिए। रिफ्रेश किया तो देखिए दोस्तों हमारे प्लगइन का नाम भी आ गया, प्लगइन फैंटेसी इन्फो, एक्टिवेट और डिलीट का बटन आपका आ चुका है। ये वाली चीज़ें क्यों नहीं आई, ये डिस्क्रिप्शन आया, वर्जन कोड नहीं आया, इसके लिए भी आपको कमेंट डालना पड़ेगा। कहाँ पे मिलेगा, जाते हैं बाहर, ये फ्रीलांसर की प्रोफाइल है मेरी, अगर आपको मेरे को हायर करना है, आपको कोई ग्राफिक्स का वर्क है, वर्डप्रेस से रिलेटेड वर्क है, PHP से रिलेटेड वर्क है, दोस्तों आप मेरे को हायर कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए, आप मेरे को फ्रीलांसर पे हायर कर सकते हो। तो जाते हैं एक बार देख लेते हैं प्लगइन की कमेंट को, आप जैसे ही इंटरनेट पे सर्च करोगे PLUGIN प्लगइन COMMENT कमेंट आप टाइप करोगे तो इस तरीके से आप मिल जाना चाहिए प्लगइन DEVLOPMENT डेवलपमेंट इन वर्डप्रेस COMMENT कमेंट हेडर रिक्वायरमेंट करके दोस्तों इनका होता है, हैंडबुक में ही आपको डायरेक्ट मिलेगा। देखिए दोस्तों इन्होंने मैं जो आपको बताया था एट ए मिनिमम हेडर कमेंट, ये दोस्तों ये मिनिमम है, प्लगइन का नेम आपको डालना ही डालना होता है, इसी से वर्डप्रेस को पता लगता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि इतने हेडर्स आप कॉल कर सकते हो, कौन कौन से, प्लगइन का नेम जो हमने डाल दिया, जो रिक्वायर्ड है ऊपर देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, ये आपको डालना ही डालना है। फिर एक होता है प्लगइन का URI, फिर होता है डिस्क्रिप्शन, एक होता है वर्जन कोड, एक होता है रिक्वायर्ड एटलीस्ट, जो PHP का जो वर्डप्रेस का जो वर्जन होता है वो आप क्या चाहते हो मिनिमम हमारा जो प्लगइन वर्क करे, एक होता है रिक्वायर्ड PHP वर्जन आप कितना चाहते हो, एक होता है दोस्तों ऑथर, आप अपने प्लगइन का जो ऑथर है उसका नाम डालना चाहते हो, एक होता है ऑथर का URI
ऑथर की वेबसाइट का लिंक आप डाल सकते हो, प्रोफाइल का लिंक डाल सकते हो, या किसी और वेबसाइट का लिंक भी आप इसमें डाल सकते हो। एक होता है लाइसेंस, आप अपने प्लगइन को कौन से लाइसेंस से डालना चाहते हो। एक होता है लाइसेंस का यूआरआई, दोस्तों लाइसेंस का जो हमारा यूआरएल रहेगा वो कहाँ पे रहेगा। एक होता है टैक्स डोमेन, ये बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, अगर आपको कस्टम आपको किसी चीज़ का सपोर्ट बनाना है। लेट से मैं बताऊं, अगर आप एलिमेंटर का कोई एक्सटेंशन बनाना चाहते हो तो उसमें आपका काम आता है टेक्स्ट डोमेन करके, तो वहाँ पे बहुत काम आता है ये, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। एक होता है डोमेन का पाथ, जो हमारे डोमेन का पाथ रहेगा वो क्या रहेगा। एक होता है नेटवर्क, आप कौन सा यूज करना चाहते हो प्लगइन के लिए, एक्टिवेटेड नेटवर्क कौन सा रहेगा, ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। इसके बाद होता है अपडेट यूआरआई, अपडेट यूआरआई किस तरीके से कॉल होगा आप चल सकते हो। इसके बाद मैं बताऊं तो हमारा अगर पूरा का पूरा कोड आपको लिखा हुआ चाहिए तो आप यहाँ से उठा सकते हो, एज इट इज आपको यहाँ से कॉपी करना है। ये इसके हमने कॉपी कर लिया, प्लगइन का नेम हमने डाला हुआ है, एक सेकंड बैक कर लेते हैं, क्लिक हो गया कहीं पे, एक्सपेंड कर लेते हैं फुल पाथ को, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि प्लगइन का नाम हमने पहले से डाला हुआ है। बाकी फॉर्म जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो मैं एज इट इज यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। प्लगइन का यूआरआई आ गया, प्लगइन का यूआरएल में हम अपना वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। मैं एक बार वेबसाइट पे चला जाता हूँ अपनी FAN, हाँ तो ये हमारी हो गई वेबसाइट, इसका मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कॉपी करके लिंक, इसको कर देते हैं बंद। तो हमने यहाँ पे प्लगइन का यूआरआई डाल दिया, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल देता हूँ दिस इज आवर फर्स्ट PLUGIN प्लगइन। वर्जन कोड मांग रहा है तो वर्जन कोड में हम दे देते हैं 0.01। रिक्वायर्ड मिनिमम दोस्तों जो है वर्डप्रेस का वर्जन 5.2 ही रखते हैं, PHP का रिक्वायर्ड 7.2 ही रखते हैं। ऑथर का नाम मैं अपना नाम डाल देता हूँ GAURAVI शर्मा आ गया। ऑथर की URI की बात करें तो मैं फिर दोबारा से अपनी वेबसाइट का लिंक ही डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद लाइसेंस कोड मांग रहा है तो लाइसेंस हम नहीं डालते हैं क्योंकि अभी हमने इसको जो है सेलिंग पर्पज से नहीं बनाया, तो इसको निकाल देते हैं। लाइसेंस का URI की भी जरूरत नहीं है, अपडेट के URI की भी जरूरत नहीं है। टैक्स डोमेन जरूर से डाल दूंगा मैं क्योंकि आगे हो सकता है मैं इस प्लगइन में बहुत चीज़ें चेंजेस कर दूँ, तो टैक्स डोमेन ज़्यादातर आप यूनिक रखिएगा, तो मैं यहाँ पे यही रखते तो मेरे प्लगइन का नाम है PLUGIN डैश करके FANTASYINFO, तो मैंने टैक्स डोमेन रख दिया। डोमेन का पाथ, डोमेन का पाथ के लिए हमें इसको कर देते हैं रिमूव, फाइल को करते हैं सेव। और अब देखें दोस्तों हमको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी फ्रंट एंड में, तो जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसको, रिफ्रेश करते के साथ ही देखिए दोस्तों क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। दिस इज अवर फर्स्ट प्लगइन, ये कहाँ से आया है, ये आया हमारा डिस्क्रिप्शन से, देखिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में ये आया दिस इज अवर फर्स्ट प्लगइन, ठीक है। इसके बाद आया दोस्तों वर्जन कोड 0.001, तो वर्जन कोड कहाँ से आया है हमारा, वर्जन कोड आप देख सकते हो यहाँ पे आया वर्जन से 0.01 से। इसके बाद आया हमारा था बाई गौरव शर्मा, यानी कि ऑथर का नाम आ गया, और ऑथर पे आप होवर करोगे तो URL भी हमारा आ रहा है, तो ये कहाँ से आया, ये आया है दोस्तों यहीं से हमारा ऑथर का नाम और ऑथर की जो URI आई है वो यहाँ से आई है। इसके बाद बात करते हैं विजिट प्लगइन साइट, जो विजिट प्लगइन साइट के बारे में बात कर रहा है ये बात कर रहा है प्लगइन URI के बारे में, तो ये चीज़ आपकी जो आती है वो यहीं से कमेंट से आती है, और उसी नाम से आप दोस्तों रखिएगा फाइल का नाम जो आपके फोल्डर का नाम होगा। और इन चीज़ों के बाद मैंने जो बताया था आपको कि अगर जैसे आप एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपका दोस्तों रजिस्टर एक्टिवेशन हुक कॉल होगा, कौन सा कॉल होगा, रजिस्टर अंडरस्कोर एक्टिवेशन अंडरस्कोर कॉल। इस प्लगइन की अगर हम यहाँ पे बात करें, इस प्लगइन के अंदर आपको दो चीज़ें डालनी पड़ती हैं, दो चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या होती है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक तो होता है दोस्तों आपका फाइल का नेम, फाइल का जो आपका नेम रहेगा, एक तो ये आपको इसके अंदर पैरामीटर डालना पड़ेगा ये यहाँ पे एज अ पैरामीटर। इसके बाद कोमा सेपरेट करने के बाद आपको डालना पड़ेगा उसके बाद फंक्शन, जो आपका कॉल बैक फंक्शन रहेगा, फंक्शन FUNCTION फंक्शन कॉल बैक रहेगा, ये आपका किस तरीके से काम करेगा। करंट की फाइल देनी पड़ती है, करंट की फाइल PHP के अगर सिंटैक्स की बात करें, अगर आपको करंट की फाइल को टारगेट करना है तो उसका एक प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है डबल अंडरस्कोर FILE डबल अंडरस्कोर, ये दोस्तों जो है PHP का प्री डिफाइंड होता है वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल आप इसको बोल सकते हो, जो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा करंट की फाइल को टारगेट करने के लिए। इसके बाद आपको कोमा सेपरेट करना है, फिर आपको एक फंक्शन देना है, फंक्शन देना है आपको, लेट्स से हम डालते हैं अपने प्लगइन का नाम फैंटसी अंडरस्कोर एक्टिवेट, ये हमने प्लगइन का फंक्शन दे दिया। इस प्लगइन के फंक्शन के हम जो भी कुछ डालेंगे वो आपका एट ए टाइम ऑफ प्लगइन एक्टिवेट ये आपका कॉल हो जाएगा। किस तरीके से होगा मैं इसको करके आपको दिखा देता हूँ अभी फटाक से, रजिस्टर एक्टिवेशन को कॉल करा लेते हैं। तो हम जाते हैं VS कोड, तो आप देख रहे हो प्लगइन एक्टिवेट हो गया, प्लगइन का नाम आ गया, सब कुछ आ गया, तो जाते हैं सीधा फटाक से यहाँ पे बैक एंड में, यहाँ पे डालते हैं फटाफट से अपना फंक्शन को कॉल करते हैं रजिस्टर एक्टिवेशन को, REGISTER register underscore ACTIVATION underscore HOOK हुक। जैसे आप इसको कॉल करेंगे इसके अंदर ये दो चीज़ लेता है, एक तो फाइल का नाम लेता है
तो पीएचपी का सिंटैक्स होता है दोस्तों, अगर आपको करंट फाइल को टारगेट करना होता है वो होता है डबल अंडरस्कोर फाइल FILE डबल अंडरस्कोर को में से सेपरेट करेंगे और एक लेके दोस्तों है कॉल बैक फंक्शन। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से हम बना लेते हैं फैंटसी इन्फो अंडरस्कोर ACTIVAT। तो दोस्तों हमने ये फंक्शन बना लिया है, सिंगल कोट से इसको कर देते हैं बंद। एक फंक्शन को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं FUNCTIVAT फंक्शन, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक बार यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट, और ये हो गया हमारा फंक्शन। तो दोस्तों हमने फंक्शन बना लिया, जैसे हमारा प्लगइन एक्टिवेट होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। एक डीएक्टिवेट का भी यहीं पे बना लेते हैं, इसी को मैं दोस्तों जो है कर लेता हूँ कॉपी, सेम होता है डीएक्टिवेट का ही, बस आपको यहाँ पे एक्टिवेट की जगह DE आपको यहाँ पे टाइप कर देना होता है। तो ये होता है रजिस्टर डीएक्टिवेशन। तो जैसे प्लगइन हमारा डीएक्टिवेट होगा तो ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ डीएक्टिवेट, तो सेम फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डीएक्टिवेट। तो ये हमारे दो फंक्शन कॉल हो जाएंगे, एट द टाइम ऑफ फंक्शन एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट। यानी कि जैसे मैं एक बार इसको पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, तो डीएक्टिवेट पे क्लिक करते के साथ ही हमारा दोस्तों ये डीएक्टिवेट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। मैं एक बार, और जैसे हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे अब दोबारा से, तो देखिए दोस्तों हमारा ये वाला एक्टिवेट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो एक मैं आपको एक शॉर्ट कोड बना के दिखा देता हूँ, और उसके बाद से हम दोस्तों कल वाली वीडियो से स्टार्ट करेंगे अपने प्लगइन डेवलपमेंट का। तो मैं एक शॉर्ट कोड बनाता हूँ, प्लगइन का एक प्रीमेड होता है add_short code। एक वर्डप्रेस का खुद का एक प्रीमेड फंक्शन होता है, इसमें एक दोस्तों ये लेता है शॉर्ट कोड का नाम जो आप रखना चाहते हो, तो सिंगल कोड ऑन कर देता है। मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ लेट्स से showData_DATA, showData करके मैंने एक शॉर्ट कोड बनाया, को में से कर लेते हैं सेपरेट, और देखिए लेता है इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन, यानी कि क्या आपको कॉल कराना है इस फंक्शन के, आप इस शॉर्ट कोड को जहाँ पे भी डालोगे उसके बाद क्या फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, लेट्स से showData ही रख लेते हैं उसका नाम, SHOWDATA, showData सिंगल कोड से रख लेते हैं इसको। तो ये हमने फंक्शन बना लिया, FUNCTIVAT फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं SHOWDATA, तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। मैं अभी दोस्तों आपको प्लगइन टेस्ट करके दिखा रहा हूँ सिर्फ, इसी वजह से मैंने सिर्फ ये शॉर्ट कोड बनाया ताकि आपको प्लगइन का टेस्ट हो जाए। तो showData जहाँ पे भी आप लिखोगे ये हमारा कॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए एको करा देता हूँ, ECHO echo दिस इज LOAD लोडिंग फ्रॉम showData। तो इस तरीके से आपको शो करेगा। अभी मैं कुछ और भी करके आपको इसमें दिखाऊंगा, जैसे आप इसको कहीं पे भी कॉपी करके पेस्ट करोगे, तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिख देता हूँ कॉलिंग शॉर्ट कोड, ताकि अगर हमारा कोई फ्रंट एंड से यूजर करे तो वो इसको अगर डालेगा, इसको अगर कहीं भी पेस्ट कर देगा तो आपको ये उसको एको दिखाई देगा। तो किस तरीके से चलेगा, जैसे हम जाते हैं फ्रंट एंड में पेज को करते हैं, देखिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आ गया शॉर्ट कोड। तो मैं यहाँ से शॉर्ट कोड को कर लेता हूँ कॉपी, पेजेस में जाते हैं, पेजेस में जाने के बाद एक पेज बना लेता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे पेज का नाम रख लेते हैं ABCD करके, और यहाँ पे शॉर्ट कोड का एज इट इज आपको पेस्ट कर देना है, showData आपको यहाँ पे डाल देने, ये डाल दोगे तभी ये शॉर्ट कोड इसको मानता है। तो एक बार मैं कर लेता हूँ पेज को पब्लिश, तो पेज पब्लिश हो चुका है, एक बार इसको फ्रंट एंड से चेक कर लेते हैं। जैसे आप फ्रंट एंड पे जाएंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारा आ गया दिस इज लोडिंग फ्रॉम showData। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा शॉर्ट कोड वर्क कर रहा है, यानी कि हमारा प्लगइन 100% वर्क कर रहा है। ये दोस्तों रजिस्टर एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के बारे में मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब हम इसमें टेबल्स क्रिएट करेंगे डाटाबेस से कॉलिंग करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो एक्टिवेट का प्लगइन कॉल होता है वो कॉल होता है टेबल्स क्रिएट करने के लिए। जो आपके वर्डप्रेस का डाटाबेस होता है उसमें टेबल्स क्रिएट होती है, और डीएक्टिवेट के टाइम पर आपकी टेबल्स दोस्तों जो है अनसेट हो जाती है, यानी कि डिलीट हो जाती है। आप चाहो डिलीट करना कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो इन फंक्शन को सिर्फ आपको डिक्लेयर करना होता है, अगर आप डाटाबेस से कॉल कराना चाहते हो तो इन फंक्शन को आप दोस्तों जो है कॉल करा सकते हो। तो मैंने एड शॉर्ट कोड बता दिया, अब मैं इसको आपको दिखाना चाहता था, आपने अभी फिलहाल तो हमने एको किया है। अगर आप यहाँ पे एक फॉर्म दिखाना चाहते हो, एक फॉर्म आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो, तो जाते हैं फटाक से गूगल पर एक फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से, HTML का HTML फॉर्म एक डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट से। ये W3 स्कूल से चले जाते हैं, राइट योर सेल पे चले जाते हैं, यहाँ से मैं फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे इस फॉर्म को कॉपी कर लिया, मैं इसको यहाँ से कर देते हैं बंद, हो गया इसका काम, इसको भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद इस एको को तो यहाँ से देते हैं अभी रिमूव कर, यहाँ पे एक बार सबसे पहले तो PHP का सिंटैक्स बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें HTML यूज़ करनी है। और यहाँ पे PHP का सिंटैक्स ऑन कर लेते हैं, लास्ट में PHP का सिंटैक्स बंद कर देते हैं। इसके इन बिटवीन, इस फंक्शन के बिटवीन में हम दोस्तों जो है
इसको यूज कर लेते हैं फॉर्म को। तो एक बार फाइल को मैं करता हूँ फटाक से सेव, तो फाइल हमारी सेव हो गई है। एक बार फ्रंट एंड पे जाते हैं यार, चेक कर लेते हैं हमारा फॉर्म आया कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए दोस्तों हमारा फॉर्म ये आ चुका है शॉर्ट कोड की मदद से। हमने सिर्फ ये शॉर्ट कोड डाला है, ये हमारा आ चुका है। ये हमारा दोस्तों जो है इसको सबमिट किस तरीके से करना है, इस फॉर्म को किस तरीके से आपको बनाना है, इसकी हर एक की दोस्तों वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेगी हमारी इसी सीरीज में। ये अच्छी सीरीज आने वाली है दोस्तों। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।